Well, in the last few days, uh, death threats from uh, many uh, countries, Pakistan, and India, other uh, Islamic nations for uh, speaking up and defending uh, uh, Lupo Sharma. Um, I lost my personal freedom uh, 17 years ago mm -hmm. when I made a documentary about uh, Quran, the Quran, the Quranic verses I got. At that time, 17 years ago, fatwas from the Al Qaeda, from the um, Pakistani Taliban, from other organizations. So I left my house 17 years ago with my wife and I. Well, you know, I never returned. I lived in in safe houses from the government, and, and in army barracks, in prison cells, just to say, stay, stay safe. Assalamualaikum Nazreen. India Today की इस वीडियो में नजर आने वाला ये शख्स एंकर के सवाल के जवाब में कह रहा है कि नुपुर शर्मा का देखा करने पर मुझे पाकिस्तान इंडिया और दूसरे इस्लामी से से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इंटरव्यू में शख्स कह रहा है कि चूंकि शर्मा ने राय की आजादी का हक इस्तेमाल करते हुए हकीकत बयान की है लिहाजा उसने ठीक किया है और यह कि हम जैसे हम ख्याल मुल्कों को इंतहा पसंद इस्लाम के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए एंकर के एक और सवाल के जवाब में कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है इस शख्स ने जवाब देते हुए कहा कि कुरान पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के बाद से अलकायदा पाकिस्तानी तालिबान और दीगर इस्लामी की से मिलने वाली धमकियों की वजह से मैं साल पहले अपनी बीवी के हमरा अपना घर छोड़ चुका हूं तब से आज तक मैं कभी अपने घर वापस नहीं जा सका उसने मजीद कहा कि अपनी जान बचाने के लिए कभी मुझे सरकारी सेफ हाउस में कभी आर्मी की बैरकों में और कभी जेलों में रखा जाता है ओ वाई सी ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि इसके मेम्बर मेमर ममालिकमहूरियत के ऊपर शरिया लाज को तरजीह देते हैं और इन तमाम ममालिक में अकलीतों पर जुलम किया जाता है नाजरीन आइए अब मैं स्क्रीन पर नजर आने वाले इस शख्स से आपका तारुफ कराता हूं इसका नाम ग्रीट बिल्डर्स है और इसका ताल्लुक हॉलैंड से है हॉलैंड के शहरियों को डच कहकर भी पुकारा जाता है इस्लामोफोबिया कंपेन चलाने में सबक रिपब्लिकन अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप से मुबासत रखने की वजह से हॉलैंड और मगरबी मीडिया में इस मलून को डच डोनल्ड ट्रंप और ग्रीट विल्डर्स ब्रांड ऑफ इस्लामोफोबिया भी लिखा और पुकारा जाता है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शख्स नोपोर शर्मा के दिफा में सामने क्यों आया है मलून सलमान रुशदी और मलओन ना तस्लिमा नसरीन की कबील से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स इन्हीं की तरह यूरोप समेत सारी गैर इस्लामी दुनिया में इस्लामोफोबिया की चलती फिरती दुकान है वीडियो में ये शख्स कुरान पर बनी जिस डॉक्यूमेंट्री का हवाला दे रहा है इसने उस डॉक्यूमेंट्री का नाम फितना रखा जो इसने दो में बनाई 17 मिनट पर मुश्तमल इस डॉक्यूमेंट्री में उसने यह साबित करने की कोशिश की है कि कुरान मजीद मुसलमानों को दहशत गर्दी करने पर उकसाने वाली किताब है यह यहूद मुखालिफ है यह औरत मुखालिफ है यह हम जिस प्रस्ती के भी खिलाफ है ये इस्लाम को पूरी दुनिया पर मुसलत करने की बात करने वाली किताब है लिहाजा दुनिया भर में कुरान को बैन किया जाए कुरान को बैन किया जाए इसका मुंह यह मुंह और मसूर की दाल इसके अलावा यह शख्स यूरोप में कसरुलतशरे के भी सख्त खिलाफ है और चाहता है कि यूरोप में इस्लामी सकाफत का रास्ता रोकने के लिए मुसलमानों का दाखिला बंद किया जाए ग्रीट बिल्डर्स की यूरोप से दीगर मजहबी सकाफतों की बजाय सिर्फ इस्लामी सकाफत को देश निकाला देने की बात करने का मतलब तो यह हुआ कि दुनिया में सिर्फ दो ही सकाफतें हैं इस्लामी और गैर इस्लामी अगर ये बात ना होती तो यह हिंदू जापानी और चीनी सकाफत के खिलाफ भी बात करता मगर उसने ना की और ना ही इसका गैंग करेगा अगस्त 2019 में हॉलैंड में बुरके पर पाबंदी आयत करवाने में भी वीडियो में नजर आने वाले इस शख्स का बुनियादी किरदार रहा है जबकि जिस वक्त पाबंदी आयद की गई उस वक्त पूरे हॉलैंड में 40 से भी कम खुत बुरका इस्तेमाल करती थी जी हां 40 फीसद नहीं रहा चालीस ओनली फोर्टी नाजरीन नोपुर शर्मा के हक में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बपा है मगर मैंने इनमें से सिर्फ डच डोनाल्ड ट्रंप और ग्रेट बिल्डर्स ब्रांड ऑफ इस्लामोफोबिया की मार्फत से जाने जाने वाले ग्रीट बिल्डर्स को ही चुना है मैंने ग्रीट बिल्डर्स को इसलिए चुना क्योंकि ग्रीट बिल्डर्स एक इंफरादी शख्स का नाम नहीं बल्कि सारे यूरोप सारे मगरब सारी यहूदियत और हिंदू तवाकी मुसलमान और इस्लाम मुखालफत की नुमाइंदगी और इसतारे का नाम है अपनी इसी शैतानी सिफ्त की वजह से इसने दंगाई इंडिया की नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया वो इंडिया जहां मुसलमानों का जीना और मरना दोनों हराम किए जा चुके हैं जिसने मकबूजा कश्मीर को जहन्नुम बनाया हुआ है अपने फोरम से मैं ग्रीट बिल्डर्स ब्रांड ऑफ इस्लामोफोबिया गैंग से अक्सर पूछे जाने वाला यह सवाल फिर पूछता हूं कि अगर इजहार राय की आजादी आप लोगों के नजदीक इतना ही बुलंद मकाम रखती है तो फिर कभी होलोकास्ट के खिलाफ भी तो बोलिए के हाथों जारी फलस्तियों की, की मुसलमानों और दीगर कीजिए। अमरीका और नेटो की जानव से जारी मुस्लिम नस्ल कुशी पर भी तो कुछ बोलिए सॉरी शायद मेरा सवाल ही गलत है क्या कभी कोई चांगार भी खुद को कातिल कहता है नहीं कहता उन्नीस की दिहाई में कम्युनिस्ट रूस के जवाल के बाद से आलम कुफर मनसूबा बंद मुहिम के जरिए मुसलमानों को विलीफाई, यानी गाली बना रहा है बदी बनाकर पेश कर रहा है और बदी के खिलाफ इकट्ठे होना इसके खिलाफ तदबीरें करना साजिशें करना बदी की नस्ल कुशी करने को इंसानी नफसियात बिल्कुल इसी तरह जायज मान लेती है जैसे किसी कातिल को दी जाने वाली सजा को जायज माना जाता है दोस्तों डोनल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तरह ग्रीट बिल्डर्स का यह खौफ कि अगर इस्लाम और मुसलमानों का रास्ता ना रोका गया तो एक दिन ये दोनों यूरोप पर काबिज हो जाएंगे सौ फीसद दुरुस्त है हॉलैंड जिससे इस मलून का ताल्लुक है इसकी आबादी के इक्यावन फीसद लोगों का मजहब से कोई लेना देना ही नहीं इसीलिए यह गैंग डरता है कि आने वाले सालों में इस्लाम मगरब पर गालिब आ जाएगा बीजेपी बजरंग दल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर मुश्तमल संघ परिवार को भी यही रोक खाए जा रहा है जो मर्जी कर लो ये होनी तो होकर रहेगी सलमान रुशदी तस्लीमा नसरीन मलाला यूसुफ जई नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जंदल आलम कुफर के स्टूज हैं और स्टूज उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें साहिब एसियत लोग अपने मुखालफों को गालियां दिलवाने या इन पर बहुतान तराशी वगैरह के लिए रखते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में इसी काम के लिए मुख्तु पार्टियों ने बड़े बड़े वाले अफराद को रखा हुआ है आखिर में मैं सुनने वालों के तवसुत से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अल्लाह रसूल और इस्लाम की तोहन करने के बाद जाओगे कहाँ तस्लीमा नसरीन सलमान रुशदी ग्रीट विल्डर्स गति नरसिंह आनंद पूजा शुगन पांडे और अब नुपोर शर्मा और नवीन कुमार जंदल को भी एब नॉर्मल जिंदगी गुजारना होगी दुनिया को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई हम मुसलमानों को चैन से नहीं जीने देता तो फिर मुसलमान भी इसे चैन से नहीं जीने देते माना कि कश्मीर और फलस्तीन इसराइल और इंडिया के कब्जे में है मगर बताइए वो कौन सा दिन है जब हमने इन यहूदियों और भगवा हिंदुओं को सुकून से जीने दिया हो बताइए वो कौन सा दिन था जब अफगान मुजाहिदीन ने कम्युनिस्ट रूस या अमेरिका शैतान को अफगानिस्तान में सुकून से जीने दिया हो नहीं जीने दिया ना और ना ही जीने देंगे जी हां हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला जिस दिए में दम होगा वही दिया जलेगा और ग्रेट बिल्डर्स के शकूक के एन मुताबिक बेशक इस्लाम ही वो दिया है जो बना ही गालिब आने के लिए है लिहाजा इसे हर हाल में गालिब आना ही है अपना ख्याल रखिएगा अल्ला नगेवान